Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल स्पीशीज इंटरैक्शंस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीशीज इंटरैक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। नो ऑर्गेनिज्म लिव इन आइसोलेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम या कम्युनिटी में अकेला नहीं रहता है, उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से या स्पीशीज से इंटरैक्ट करना ही पड़ता है फूड, शेल्टर, स्पेस या रिप्रोडक्शन के लिए। अंडर नेचुरल कंडीशंस ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की लाइफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं और डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे के ऊपर फॉर फूड, शेल्टर, स्पेस या रिप्रोडक्शन के लिए। द इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशी इन अ कम्युनिटी ब्रॉडली कैरेक्टराइज किए गए हैं इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल इंटरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इफेक्ट ऑन इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन की बात की जाए तो ये तीन टाइप का होता है ब्रॉडली, पॉजिटिव इंटरेक्शंस, नेगेटिव इंटरेक्शंस और न्यूट्रल इंटरेक्शंस। पॉजिटिव इंटरेक्शंस हमारा दो टाइप का होता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है ये या कॉमनसिलिज्म हो सकता है। म्यूचुअलिज्म फिर दो टाइप का होता है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म हो सकता है या फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म हो सकता है। नेगेटिव इंटरेक्शन की बात की जाए तो ये पांच टाइप का होता है, कंपटीशन हो सकता है ये, एमेंसलिज्म हो सकता है ये, प्रेडेशन हो सकता है, पैरासिटिज्म हो सकता है या हर्बीवोरी हो सकता है। कंपटीशन दो टाइप का होता है, इंटरफेरेंस कंपटीशन हो सकता है या फिर एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन हो सकता है ये। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन से, जिसको फैसिलिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें जो दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं उन दोनों को या तो फायदा होता है या किसी एक को फायदा होता है, लेकिन किसी भी स्पीशी को इसमें हार्म नहीं होता। ये दो टाइप का हो सकता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, पहला है म्यूचुअलिज्म और दूसरा है कॉमनसिलिज्म। तो सबसे पहले म्यूचुअलिज्म, डबल प्लस, इसका मतलब है कि दो स्पीशीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं वो दोनों आपस में म्यूचुअली बेनिफिटेड है, उन दोनों स्पीशीज में कोई भी स्पीशी हार्म्ड नहीं है। तो ये म्यूचुअलिज्म एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें इंटरेक्टिंग स्पीशीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं वो म्यूचुअली बेनिफिटेड है। अब ये बेनिफिट इन रिलेशन टू ग्रोथ हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, फूड के लिए हो सकता है या सर्वाइवल के लिए भी हो सकता है। म्यूचुअलिज्म दो टाइप का है, पहला है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, दूसरा है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, जिसको प्रोटो कॉपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा इंटरेक्शन है बिटवीन स्पीशीज जिसमें दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, रिलेशनशिप में रहती हैं और ये इंटरेक्शन उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ऑब्लिगेटरी है या नेसेसरी है। नाइदर स्पीशी कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है लाइकेंस। लाइकेन एक ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी का, जिसमें फंजाई एल्गी को शेल्टर देती है, प्रोटेक्शन देती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोवाइड करती है सराउंडिंग से और इन टर्न एल्गी उसको फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। अगर इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को अलग किया जाए एल्गी और फंजाई को लाइकेंस में, तो दोनों में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। अगला आपका फिग ट्री एंड फिग वास्प एसोसिएशन, इन विच फिग वास्प इज डिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फिग ट्री फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। इन टर्न फिग वास्प हेल्प्स फिग ट्री इन पॉलिनेशन। थर्ड है हमारा कोरल रीफ। कोरल रीफ इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। इसमें सिलेंट्रेट्स जो कोरल्स हैं वो एल्गी के साथ ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में रहते हैं। इसमें एल्गी कोरल्स को ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करते हैं और कोरल्स एल्गी को हर्बीवोर से बचाते हैं। फोर्थ है हमारा माइकोराइजा। ये एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई, जिसमें फंजाई इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज फास्फेट एंड कैल्शियम इन वाटर प्लांट को प्रोवाइड करता है और उसके बदले में प्लांट
फंजाई को ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बाय डूइंग फोटोसिंथेसिस। अगला है हमारा मिरमिकोफिली। दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट्स एंड एंट्स। फॉर एग्जाम्पल अकेशिया प्लांट एंड एंट्स, इसमें एंट्स प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट को फ्रॉम हर्बीवोर्स और उसके बदले में प्लांट उनको रहने की जगह देता है एंट्स को और खाना प्रोवाइड करता है। सिक्स्थ है हमारा जू क्लोरेला। इसमें यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी क्लोरेला लिव्स इन हाइड्रा। इसमें हाइड्रा शेल्टर देता है एल्गी को और एल्गी फूड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है हाइड्रा को। तो म्यूचुअलिज्म में सेकेंड है आपका फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, जिसको प्रोटो कॉर्पोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, स्पीशीज के बीच में, जो कि ऑब्लिगेटरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन इस रिलेशनशिप से दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है म्यूचुअली। इन दिस केस बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट व्हाइल लिविंग क्लोज टुगेदर, बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी नेसेसरी। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे क्लाउन फिश लिविंग अमंग द टेंटिकल्स ऑफ सी एनीमोन। क्लाउन फिश टेंटिकल्स ऑफ सी एनीमोन में रहती है, सी एनीमोन इसको प्रेडेटर से बचाता है और इन एक्सचेंज क्लाउन फिश उसके आसपास के जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको खा के प्रोटेक्ट करती है सी एनीमोन। एसोसिएशन ऑफ बीज एंड फ्लावर्स। बीज एंड फ्लावर्स ये एक ऐसा म्यूचुअल इंटरेक्शन है जिसमें बीज फ्लावर के पास जाते हैं, जिसमें फ्लावर बीज को नेक्टर प्रोवाइड करता है और इन टर्न बीज पॉलिनेशन में मदद करती है फ्लावर्स के। थर्ड है हमारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स में रहता है और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम आयन और इन टर्न प्लांट इसको रहने की जगह देता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगला हमारा सिलेंट्रेटिक सी एनीमोन अटैच टू शेल्स ऑफ हर्मिट क्रैब। इसमें सी एनीमोन इज कैरीड बाय द क्रैब टू फ्रेश फीडिंग साइट्स एंड इन टर्न क्रैब इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स एनिमीज। सिम्बायोसिस एक टर्म कॉमनली यूज किया जाता है। सिम्बायोसिस का मतलब होता है लिविंग टुगेदर। तो सिम्बायोसिस का मतलब है आपका लिविंग टुगेदर। इट इज एन क्लोज इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ये तीन टाइप का होता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है, कमर्शियलिज्म हो सकता है, पैरासिटिज्म हो सकता है। तो सिम्बायोसिस सिंपली मीन्स लिविंग टुगेदर। सेकेंड टाइप का आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन है कमर्शियलिज्म प्लस जीरो। इसका मतलब है एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरा अनएफेक्टेड है। तो इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अनदर ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज रिमेन अनहार्म्ड, अनएफेक्टेड। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं रिमोरा, एक सकर फिश है जो कि क्लोज एसोसिएशन में रहती है शार्क के। ये रिमोरा इतनी छोटी होती कि इससे शार्क को ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान, लेकिन रिमोरा अपने प्रेडेटर से बची रहती है। दूसरा एग्जांपल इसका एपीफाइट्स। एपीफाइट्स ऐसे वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनमें रूट्स नहीं होती है लेकिन ये ग्रो करते हैं अनदर प्लांट्स पे फॉर सपोर्ट टू गेट लाइट। एग्जाम्पल है इसका ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ट्री। थर्ड है आपका लाइनास। ये रूटेड प्लांट्स होते हैं लेकिन तब भी ये सपोर्ट लेते हैं दूसरे प्लांट्स से for erect nets to get better light. Fourth है barnacles growing on back of whale. Barnacles एक ऐसे arthropods हैं जो कि whale के back पे grow करते हैं। Whale इतनी बड़ी है कि इससे barnacles से ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान, लेकिन barnacles अपने predators से बचे रहते हैं whale की मदद से। तो यहाँ पे barnacles को फायदा है, whale को ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान। सेकेंड टाइप के आपके इंटरेक्शन हैं निगेटिव इंटरेक्शन। इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज और वन स्पीशीज इज हार्म्ड। मतलब यहाँ पे जो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज हैं उनमें दोनों को या किसी एक स्पीशीज को हार्म है। टाइप्स ऑफ निगेटिव इंटरेक्शन की बात की जाए तो ये पांच टाइप का होता है। पहला है पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, हर्बीवोरी, कमेंसलिज्म एंड कंपटीशन।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं पैरासिटिज्म से। प्लस माइनस मींस एक स्पीशीज को तो फायदा है इसमें, एक स्पीशीज को नुकसान है। तो इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज। इसमें एक स्पीशीज पैरासाइट को फायदा है फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड फूड, लेकिन दूसरी स्पीशीज जो है होस्ट उसको नुकसान है। पैरासाइट कभी भी अपने होस्ट को जल्दी मारते नहीं है क्योंकि होस्ट ही इनका हैबिटेट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स की बात करें तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये माइक्रो पैरासाइट्स हो सकते हैं या मैक्रो पैरासाइट्स हो सकते हैं। माइक्रो पैरासाइट्स दे आर स्मॉल इन साइज एंड हैव शॉर्ट जनरेशन टाइम। एग्जांपल इनका वायरस एंड बैक्टीरिया। मैक्रो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि लार्ज साइज के होते हैं, उनका जनरेशन टाइम लॉन्ग होता है। एग्जाम्पल हुकवॉर्म एंड टेपवॉर्म एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इनका ट्रांसमिशन पैरासाइट्स का डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। अगर वेक्टर इस्तेमाल नहीं है तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाता है, अगर वेक्टर इस्तेमाल है बीच में तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है सेल्मोनेला टाइफी एंड चिकन पॉक्स वायरस। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो कि मलेरिया कॉज करता है। अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट विद इट्स होस्ट। ये टेम्परेरी पैरासाइट्स हो सकते हैं या फिर परमानेंट पैरासाइट्स हो सकते हैं। टेम्परेरी पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स हैं जो कि अपने होस्ट से बहुत कम समय के लिए कॉन्टैक्ट में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल फीमेल मॉस्किटोज, बेड बग, सैंड फ्लाइज, सीसी फ्लाइज एक्सेट्रा। परमानेंट पैरासाइट्स वो हैं जो कि अपने होस्ट के कॉन्टैक्ट में रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, जैसे एस्केरिस वॉर्म, टेप वॉर्म एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ होस्ट। तो टाइप ऑफ होस्ट की बात की जाए तो पैरासाइट का होस्ट प्राइमरी होस्ट हो सकता है या सेकेंडरी होस्ट हो सकता है। प्राइमरी होस्ट को डेफिनेट होस्ट कहते हैं, सेकेंडरी होस्ट को इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी होस्ट वो होस्ट हैं जहां पर पैरासाइट मैच्योरिटी अपनी पाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें, उन होस्ट को प्राइमरी होस्ट कहते हैं। सेकेंडरी होस्ट वो हैं जहां पर पैरासाइट अपनी कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस तो कंप्लीट करता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। For example, humans are the primary host for trypanosoma, while CC fly are the secondary host. कुछ examples parasitism के, जैसे hookworm that live inside the host gut, Ascaris worm living in the intestine of man. यहाँ पर Ascaris एक parasite है जो कि man host के intestine में रहता है। यहाँ पर Ascaris को तो फायदा है nutrition और shelter के behalf पे, लेकिन man को नुकसान है। प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया, कैस्कुटा रिफ्लेक्सा ग्रोइंग ऑन अ प्लांट आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिज्म। पैरासिटॉइड, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पैरासाइट। पैरासिटॉइड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी इंटायर लाइफ एक सिंगल होस्ट पे ऊपर या अंदर गुजारता है, लेकिन अनलाइक अ ट्रू पैरासाइट ये अल्टीमेटली अपने होस्ट को मार देता है और कंज्यूम कर लेता है अपने होस्ट को, और ये जनरली लार्ज इन साइज होता है एज कम्पेयर टू देयर होस्ट। एग्जाम्पल इसका एक वेल नोन है रिलेशनशिप बिटवीन वास्प एंड कैटरपिलर। इसमें जो फीमेल वास्प होती है कैटरपिलर के अंदर अपने एग्स ले कर देती हैं, और ये जब एग हैच होते हैं और मैच्योर होते हैं धीरे धीरे वास्प इसमें, तो ये कैटरपिलर से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं कैटरपिलर को, अल्टीमेटली कैटरपिलर को मार देते हैं। सेकेंड है आपका नेगेटिव इंटरेक्शन और प्रेडेशन। प्लस माइनस मतलब एक स्पीशी को तो यहाँ पे भी फायदा हो रहा है और एक स्पीशी को नुकसान हो रहा है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स विच आर इंटरैक्टिंग टुगेदर इन विच वन ऑर्गेनिज्म और स्पीशी गेट बेनिफिटेड प्रेडेटर एंड अनदर इज हार्म विच इज नोन एज प्रे। प्रेडेटर अपने प्रे को पकड़ता है, मार देता है और खा जाता है, ये प्रेडेशन है। प्रेडेशन इज एन ऑर्गेनिज्म, प्रेडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स इट फूड्स आफ्टर किलिंग द प्रे इमीडिएटली, और ये अपने प्रे को इमीडिएटली मार देता है, अनलाइक पैरासिटिज्म जो कि अपने प्रे को नहीं मारते या फिर रेयरली मारते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ प्रेडेशन के, पहला एग्जाम्पल है कार्निवोरस एनिमल्स, लॉयन टाइगर किल्स प्रे गोट एंड काउ एक्सेट्रा। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि ग्रो करते हैं मार्शी एरियाज में, दलदलों में जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और ये फुलफिल करते हैं अपने नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी बाय ईटिंग किलिंग इंसेक्ट्स, एग्जांपल पिचर प्लांट एंड ड्रोसेरा एक्सेट्रा।
तो आइए अब देख लेते हैं डिफरेंस क्या है पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में। तो डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन, तो एक तरफ है आपका पैरासिटिज्म, एक तरफ प्रेडेशन। पैरासिटिज्म में क्या होता है, होस्ट लार्ज इन साइज का होता है एज कंपेयर टू इट्स पैरासाइट। प्रेडेशन में प्रे स्मॉल साइज का होता है एज कंपेयर टू इट्स प्रेडेटर। पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, पैरासाइट अपने होस्ट के स्पेसिफिक होते हैं, उनका फिक्स्ड होस्ट होता है। प्रेडेटर्स, प्रेडेशन में प्रेडेटर्स आर नॉट प्रे स्पेसिफिक, इनका कोई प्रे स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे लॉयन का प्रे गोट भी हो सकती है, काउ भी हो सकती है। पैरासाइट्स स्मॉल होते हैं साइज में एज कंपेयर टू देयर होस्ट, लेकिन प्रेडेशन में प्रेडेटर्स लार्ज होते हैं इन साइज एज कंपेयर टू देयर प्रे। पैरासिटिज्म में पैरासाइट्स आर लेस मोबाइल एंड हैव पुअर मींस ऑफ डिस्पर्सल, ये लेस मोबाइल होते हैं या कभी कभी इमोबाइल भी होते हैं। लेकिन प्रेडेशन में प्रेडेटर्स जो होते हैं ये काफी मोबाइल होते हैं, चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं और कैपेबल होते हैं कैप्चरिंग अपने प्रे के लिए, अपने प्रे को ये दौड़ के पकड़ सकते हैं। पैरासिटिज्म में पैरासाइट्स के पास हाई बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है, लेकिन प्रेडेशन में प्रेडेटर्स के पास लेस बायोटिक पोटेंशियल होता है या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। पैरासिटिज्म में पैरासाइट डज नॉट किल इट्स होस्ट इमीडिएटली, पैरासाइट अपने होस्ट को या तो मारता नहीं है या रेयरली मारता है, क्योंकि पैरासाइट का हैबिटेट जो होता है वो उसका होस्ट होता है। लेकिन प्रेडेशन में प्रेडेटर्स किल्स इट्स प्रे इमीडिएटली, फौरन ये कैप्चर करता है अपने प्रे को और फौरन मार देता है। अब एग्जांपल्स इसके क्या है पैरासिटिज्म के, हुकवॉर्म, टेपवॉर्म और ट्रैपेनोसोम्स, ये सब पैरासाइट्स हैं। प्रेडेशन के एग्जांपल क्या है, लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल, ये सब प्रेडेटर्स हैं जो कि अपने प्रे को कैप्चर करते हैं और इमीडिएटली मार देते हैं। थर्ड है हमारा नेगेटिव इंटरेक्शंस में हर्बीवोरी, इट इज अगेन प्लस माइनस, मींस एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान। यहाँ पे एक ऐसी रिलेशनशिप है बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हर्बीवोर्स। यहाँ पे प्रेडेटर कौन है, यहाँ पे प्रेडेटर है प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर, और प्रे कौन है, प्लांट्स। एग्जांपल है गोट एंड काउ ईटिंग प्लांट्स। तो हमारा चौथा टाइप का नेगेटिव इंटरेक्शन है एमेंसलिज्म, माइनस जीरो। इसका मतलब एक स्पीशी तो यहाँ पे हार्म हो रहा है और दूसरी स्पीशी जो इंटरेक्ट कर रही है उसको ना कोई हार्म है ना कोई फायदा। तो इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशी इन विच वन स्पीशी इज हार्म एंड अनदर स्पीशी रिमेन अनअफेक्टेड। कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है ट्री, जो कि अपनी डाल कोई भी स्ट्रक्चर गिरा देता है रिगार्डलेस नीचे कोई है कि नहीं। तो इससे जो नीचे होगा प्लांट या एनिमल उसको तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन ट्री को इससे ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, एनिमल्स क्रशेस ग्रासेस बाय देयर फूड, एनिमल चलते दौड़ते वक्त ग्रासेस को क्रश कर देते हैं बाय देयर फूड। इससे ग्रासेस को तो नुकसान है लेकिन एनिमल्स को इससे कोई ना फायदा है ना कोई नुकसान। थर्ड एग्जाम्पल एंटीबायोसिस, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंसेस निकालते हैं और वो सब्सटेंसेस किल या इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रोब्स उनके सराउंडिंग में। सच इन केमिकल्स को एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है, एग्जाम्पल पेनिसिलिन। फिफ्थ टाइप का हमारा इंटरेक्शन है कंपटीशन, डबल नेगेटिव। इसका मतलब बोथ द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स आर हार्म्ड, जो इंटरैक्ट कर रहे हैं हमारे दोनों ऑर्गेनिजम्स वो किसी ना किसी तरह से हार्म है उनको, सफर कर रहे हैं दोनों। इन कंपटीशन बोथ स्पीशीज सफर आर हार्म्ड। यूजुअली कंपटीशन तब होता है जब फूड, लाइट, स्पेस शॉर्ट सप्लाई में होते हैं। कंपटीशन दो टाइप का होता है, ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात की जाए तो ये होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। अब ये टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज के बीच में हो रहा है इसलिए ये ज्यादा इंटेंस है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज आर वेरी सिमिलर, दे रिक्वायर सेम फूड, सेम शेल्टर, सेम स्पेस, दे हैव सेम इकोलॉजिकल निके। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात की जाए तो ये दो टाइप का फिर होता है, इंटरफेरेंस और एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन। एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन को इनडायरेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं और इंटरफेरेंस कंपटीशन को डायरेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं।
एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन कब होता है? इट इज ऑब्जर्व व्हेन वन स्पीशी कंपीट्स विद अनदर स्पीशी विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर फूड एंड स्पेस। ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें स्पीशीज आमने सामने तो नहीं आती लेकिन दोनों को हार्म होता है, जैसे मैं तुम्हारा घर तोड़ू तुम मेरा घर तोड़ो, इस टाइप का कंपटीशन होता है। इंटरफेरेंस डायरेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें दो कंपीटिंग स्पीशीज आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाती है, सच एज फाइटिंग। तीसरा टाइप का हमारा इंटरेक्शन है न्यूट्रल इंटरेक्शन, 0-0। मतलब ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें इंटरेक्टिंग स्पीशीज को आपस में ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। इसका एक कॉमन एग्जांपल है टेरेंटुलास स्पाइडर एंड कैक्टाई लिविंग इन अ डेजर्ट। डेजर्ट में टेरेंटुलास और कैक्टाई रहते हैं, ये आपस में रेयरली इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन अगर इंटरेक्ट करते भी हैं तो इनको ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है इंटरेक्शन से। ये चार्ट है बायोटिक इंटरेक्शन का, इंटरेक्शन स्पीशी 1, स्पीशी 2, नेचर ऑफ इंटरेक्शन। तो पहला इसमें न्यूट्रलिज्म 0-0, मतलब दो स्पीशीज जो इंटरेक्ट कर रही हैं अगर, तो उन दोनों स्पीशीज में किसी को ना कोई फायदा है ना किसी को कोई नुकसान। म्यूचुअलिज्म, इसका मतलब है दोनों स्पीशीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं दोनों को किसी ना किसी टाइप का फायदा हो रहा है। कॉमनसलिज्म, इसका मतलब है दो स्पीशीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं उसमें एक स्पीशीज को तो फायदा है लेकिन दूसरी स्पीशीज अनअफेक्टेड है। प्रेडेशन, यहाँ पे प्रेडेटर को फायदा होता है और प्रे को नुकसान। हर्बीवोरी, यहाँ पे हर्बीवोर को फायदा हो रहा है एंड ऑटोट्रॉप मीन्स प्लांट को नुकसान। पैरासिटिज्म, इसमें भी एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान, यहाँ पे फायदा हो रहा है पैरासाइट को और नुकसान हो रहा है उसके होस्ट को। एमेंसलिज्म, यहाँ पे एक स्पीशी को ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान लेकिन दूसरे स्पीशी को नुकसान हो रहा है। कंपटीशन में दो स्पीशीज जो इंटरेक्ट कर रही हैं आपस में उन दोनों को नुकसान हो रहा है किसी ना किसी तरह से, फूड सर्वाइवल शेल्टर एक्सेट्रा। डायग्रामेटिक व्यू है ये स्पीशीज इंटरेक्शन का, इसमें स्पीशी 1 दिखाई गई है यहाँ पे स्पीशी 2 दिखाई गई है। प्लस प्लस साइन, ये आपस में स्पीशी इंटरेक्ट कर रही है, प्लस प्लस साइन मतलब म्यूचुअलिज्म। माइनस प्लस साइन मतलब प्रेडेशन, पैरासिटिज्म या हर्बीवोरी हो सकती है। जीरो माइनस साइन मतलब एक स्पीशी को तो नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरी स्पीशी अनअफेक्टेड है, कॉमनसलिज्म। माइनस माइनस मतलब कंपटीशन, दोनों स्पीशीज जो इंटरेक्ट कर रही हैं उन दोनों स्पीशीज को नुकसान हो रहा है। एमेंसलिज्म, इसमें एक स्पीशी को तो नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरी स्पीशी अनअफेक्टेड है। न्यूट्रलिज्म, इसमें दो स्पीशीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं उन दोनों स्पीशीज को ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।